उठ चुके हैं, लेकिन कोई भी जो है अपने बिस्तर को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। उसका रीजन यही है कि यहाँ -8, 10, 12 डिग्री टेम्परेचर है भाई। एक बार नीचे से होकर के आ चुका है, अपना एक्सपीरियंस आपको स्टोरी पे बता चुका है। तो अगर आपको लगता है कि हाँ पता करना है तो जाके स्टोरी में देख सकते हैं। बाकी बिहाइंड द सीन्स तो मेरा कैमरा चलता ही रहता है। तो पानी यहाँ गर्म हो रहा है, लकड़ी रात में यही रखे थे लेकिन ये अंदर गया नहीं, इतने बड़े साइज का लकड़ी लेने के लिए अंदर लकड़ी गया लेने नहीं। लेकिन अंदर गया नहीं, ये इस तंदूर में इतना बड़ा था मैंने कहा कोई अंदर गया नहीं, मैंने कहा पता नहीं कहाँ अंदर ले रहा था भाई। तंदूर में भाई रात भर तुम जो आराम से सो रहे लकड़ी रात में यहीं पे लकड़ी लेके रखा था, ये रात में कभी भी लेना पड़ सकता है, मेरा अंदर गया नहीं। पांच लोग थे, पांचों में तो आ ही जाएगा, कोई ना कोई तो समा ही लेगा इसको। बाकी अब रेडी होते हैं थोड़ी देर में और निकलते हैं। कोई उठ हिलने के लिए तैयार नहीं है भाई, चले जाओ ना बगल वाले रूम में, ठंडा हो जाएगा पानी, है ना। थैंक यू सो मच एंड इट वॉज वेरी नाइस स्टे। और अब चलते हैं अपने गाड़ी की तरफ। सामान वामान रख दिया है हमने, कपड़े वपड़े पहन लिए अच्छे से। ऑल दो थोड़ा सा धूप निकला है तो कम ठंड फील हो रही है, मतलब हवा नहीं चल रही इसलिए। बाकी आप देख ही सकते हो नीचे अभी भी ये जो है ये जमा ही हुआ है, पिघला नहीं है, मतलब टेम्परेचर तो अभी भी माइनस में ही है। चलते हैं अपनी गाड़ी की तरफ। भाई लोगों ने कोल्ड स्टार्ट कर लिया है, कुछ भाई लोग आए थे मिलने के लिए, उनसे थोड़ी देर बातें करने लग गए तो उसमें थोड़ा और टाइम लग गया। ये प्रेयर वाला समथिंग है और सामने वहाँ ऊपर की तरफ लगाया था हमने गाड़ी। थोड़ी देर चलने पे सांस फूलती है भाई, सामान लेके ऊपर जाने में तो हालत ख़राब हो गया। मेरे ख्याल से दोनों गाड़ियाँ स्टार्ट हो गई हैं, सारी गाड़ियों के नीचे मूछ जमी हुई है जो बता रही है कि हाँ आप काजा से होके आए हो। थैंक यू मूछे बनी हुई है भाई। सो ये वो हालत है, गाड़ी के अंदर थी, बर्फ जम गई है भाई। तो पीने वाले पानी जो रात भर गाड़ी में रह गया वो तो जम गया है। ज़बरदस्त ठंड थी यार, ज़बरदस्त। वो इससे ही अंदाज़ा लग सकता है, ये देखो हार्ड है। सो दोनों गाड़ियाँ कोल्ड स्टार्ट पे लगी हुई है, ऑलमोस्ट 10-15 मिनट हो चुका है। स्टार्ट होने में दोनों ही गाड़ियों को कोई दिक्कत नहीं हुई है, एक सेल्फ में दोनों ही गाड़ियाँ स्टार्ट हो गई। बाकी जाकर भाई बताएंगे, आगे फिट कर रहे हैं कैमरा वैमरा, स्टार्ट करेंगे अब कहानी। फिट करने को फायदा नहीं है, कीचड़ उछलती रहती है। हाँ ऊपर ही फिट करेंगे माउंट पे चले। अरे भाई हाँ ऑलमोस्ट ऑल सेट टू गो। पानी जम गया है? पानी वानी तो सब जम गया। बर्फ भाई लोग आए मिलने के लिए, थैंक यू सो मच। थैंक यू टू यू सर। अरे थैंक्स टू यू सर। तो चलेंगे अब यहाँ से भाई। हाँ चलते हैं, दिखाओ पानी दिखाओ भाई। डीजल भराते हैं और चलते हैं। भाई बस तो जमेगी, सब परेशान है बर्फ जमने से। थोड़ा अभी थोड़ा दिल्ली की तरफ चलोगे तो बर्फ खोजोगे भैया, बर्फ मिल जाएगा क्या? बर्फ के देने पड़ेंगे भैया, कितने का है दे दो, आइस क्यूब दे दो। ये देखो मूछ, गाड़ियों की मूछ बन गई है, शेविंग कराने की जरूरत है सभी को। चलते चलते जड़ेगी, कुछ तो जड़ जाएगी, कुछ आगे बनी रहेगी। वॉकी ऑन कर लो, चला जाए, अब शुरुआत किया जाए। गुड मॉर्निंग, और निकल चुके हैं हम काजा सिटी से। सो पहला काम रहेगा काजा में जो है ओनली पेट्रोल पंप, जो हाईएस्ट पेट्रोल पंप है एचपी का, वहाँ पे डीजल रिफिल करेंगे और फिर यहाँ से आगे निकलेंगे अपने अगले डेस्टिनेशन के लिए, जो कि होगा शायद चेचम, हिक्किम, कॉमिक, जो भी है। अब यहाँ से आसपास जो कुछ भी घूम सकते हैं वो देखा जाएगा। तो चलते हैं, दोनों गाड़ियों में डीजल भराना बहुत ज़रूरी है। काजा का ओनली पेट्रोल पंप इंडियन ऑयल का, जो कि 12,270 फीट पे है और मेरे ख्याल से वर्ल्ड्स हाईएस्ट रिटेल आउटलेट है अभी तक का। यहाँ पे पेट्रोल भराते हैं, सॉरी डीजल भराते हैं और फिर आगे चलते हैं। दोनों गाड़ियों में डीजल फुल कराया जाएगा। दो तरह के फ्यूल यहाँ पे अवेलेबल है, इफ़ यू नीड एन एंटी फ्रिज, तो यहाँ एंटी फ्रिज पेट्रोल और डीजल भी अवेलेबल है, जो कि थोड़े से नॉमिनल इंक्रीज प्राइस पे है। जैसे 99 रुपीज़ का पेट्रोल है एंड द डीजल इज़ ऑफ 84 रुपीज़। तो अगर आपको लगता है कि हाँ एंटी फ्रीज की ज़रूरत है तो आप वो ले सकते हो। हमने भाई नॉर्मल डीजल ही भरवाया, हमारा नॉर्मल डीजल ही चल रहा है, बाइक का भर चुका है और रेट सेम है।
up all night by myself, trying to figure ways to you. Your voice stuck in my brain, we never got to see it through. Almost key monastery ko hum log cross kar chuke hain aur aage chal rahe hain Checham Bridge ki taraf. Yahi rasta hai jo Checham Bridge ko lekar ke jayega aur सामने देख सकते हैं पूरे आइस से मतलब बर्फ से ढके हुए पहाड़ हैं, बिल्कुल ही वाइट हो गया यार, बिल्कुल ही अद्भुत ही दिख रहा है, अद्भुत ही दिख रहा है। ये मेरे ख्याल से ऊपर जाने का रास्ता है, यही वो गेट है जहाँ से आप की मॉनेस्ट्री के लिए जाते हो। तो आज तो हम लोग की मॉनेस्ट्री नहीं जा रहे, ये रास्ता इस साइड जो गया वो की मॉनेस्ट्री के लिए था और इधर हम सीधे चले जाएंगे। तो क्या है ना कि ये छोटा सा डिवाइस है जो वॉकी टॉकी के टाइप का है, जो बहुत ही मिनिमल से प्राइस में आता है, जो कि आपके लाइफ सेवर हो सकता है ऐसे जगह पे। क्या होता है कि अगर ब्लाइंड टर्न है या कुछ है जहाँ पे हमें बताना होता है कि हाँ सामने से गाड़ी आ रही है, तो आगे जो गाड़ी चल रही होती है वो बता देती है पीछे वाले गाड़ी को कि भाई आगे से गाड़ी आ रही है तो पहले ही साइड लेकर के रखो, सो दैट कि आपको इतने पतले रास्ते में दिक्कत ना हो, आपको बैक ना करना पड़े। तो इट्स अ वेरी हैंडी थिंग जो कि आपके मतलब अगर दो चार लोग चल रहे हैं साथ में तो आपको कॉन्वॉय में आसान हो। मतलब बर्फ तो नहीं है अभी, लेकिन हाँ कभी भी ना रास्ते इतने पतले हैं ना कि अगर सडन ब्रेकिंग या कुछ ऐसा हुआ ना तो गाड़ी को कंट्रोल कर पाना थोड़ा मुश्किल होगा। तो इसलिए पहले से ही फोर हाई लगा करके चल रहे हैं और रास्ते तो आप देख ही रहो कितने पतले हैं। बेसिकली ना सामने से अगर कोई गाड़ी आता है ना तो अपने को ना उसको पास देने के लिए किनारे उतारना पड़ता है, और किनारे अगर बर्फ पे उतारे और टू हाई पे लगाए ना तो गाड़ी रपटती है। और नीचे दिखा दो भैया कितना डीप है ये, नीचे प्रॉपर भितरामपुर है। हमेशा हमेशा ना ब्लैक आई जमी रहती है, और ये वाला ना खतरनाक ही है। अगर हल्का सा इधर उधर हुआ ना तो प्रॉपर भितरामपुर नहीं। हाँ, यहाँ तो सारा एड्रेस प्रॉपर भितरामपुर का ही है। कहीं भी जाओगे ना, अगर इधर उधर जाओगे तो भितरामपुर। हाँ, थोड़ा सा स्टमरिंग होना शुरू है, हाइट अटेंड करते हैं, हाइट अटेंड है, सर दर्द हो रहा है यार, मेरा सर दर्द हो रहा है, डिमांड बढ़ गई और रपटरी में इधर उधर स्लाइड हो रही है, जहाँ पे हम चाहते नहीं है उस साइड जा रही है। तो धीरे धीरे चल रहे हैं, बाकी स्लश और स्नो का कॉम्बिनेशन आ गया। हाँ, यहाँ पे देखो क्या जबरदस्त दिख रहा है ना, ब्राउन पे व्हाइट, तो ऐसा लग रहा है ना जैसे केक है, केक के ऊपर क्रीम नहीं रखा हुआ, व्हाइट क्रीम है ना, व्हाइट क्रीम है। हाँ, मफ्ट है, जबरदस्त भैया, चौको पाई की तरह, बस चौको पाई की तरह कट ना जाए। अरे सुख बोलो बे, नहीं नहीं बिल्कुल सही सलामत जाने का, सही सलामत। आगे से भी एक गाड़ी आ रही है तो जगह देख करके उसको साइड देना है। ऐसे जगह है, बहुत जगह है, यहाँ पे रुक देते हैं। वो भी वहाँ रुक दिया, बुला रहा है। तो ये एक बहुत अच्छा कम्युनिकेशन होता है, पहले ही आप अगर देख लो यहाँ सामने से कोई गाड़ी वाड़ी आ रही है ना तो आप रुक जाओ, सो दैट कि ऐसे जगह पे अगर स्लिप हुआ ना गाड़ी या फिर फंस गया ना तो निकाल पाना भी बहुत मुश्किल हो गया यार। प्रॉपर ब्लैक आइस है ये, प्रॉपर ब्लैक आइस है। Just don't know.
ऑलमोस्ट 3 बज रहे हैं और हम पहुंच चुके हैं चेचम ब्रिज के पास। तो यहाँ सामने हमने गाड़ी लगाई है और विकास वहाँ सिनेमेटिक लेता हुआ, और ये है वो चेचम ब्रिज जिसके बारे में हमेशा ही हर कोई बात करता है। जो कोई भी काजा आता है वो यहाँ ज़रूर आता है। ये बहुत ही खूबसूरत ब्रिज है मेरे ख्याल से। इसकी डिटेल आगे हम चल के अभी बताएंगे आपको कब बनाया गया था, क्या था। और यहाँ आगे सांस फूल रही है भाई, बोलने में भी थोड़ी दिक्कत हो रही है। हाई अल्टीट्यूड है, थोड़ा ऑक्सीजन कम है, तो ये सारी चीज़ें होगी। बोलना कुछ और चाहेंगे निकलेगा कुछ और। और इस साइड पूरा प्रॉपर भितरामपुर है। तो चलते हैं आगे, इस ब्रिज की डिटेल को बताते हैं आपको। जस्ट चेचम ब्रिज के पहले ये एक बोर्ड लगा हुआ है जिसमें कह रहे हैं एक समय में एक ही वाहन पार करें, पुल के ऊपर गाड़ी खड़ा ना करें। चलो भाई नहीं करेंगे। ऐतिहासिक चेचम ब्रिज, और इसके ऊपर वॉक करके आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पे डिटेल्स है जिन्होंने बनाया था। चीफ इंजीनियर, सुपरिटेंडेंट इंजीनियर, एक्सिक्यूटिव इंजीनियर, असिस्टेंट इंजीनियर, सारे लोगों का नाम लिखा हुआ है, कॉन्ट्रैक्टर का भी नाम लिखा हुआ है। सो वॉक अराउंड चेचम ब्रिज, सब अपने अपने डायरेक्शन में फ़ोटो लेने के लिए तैयार खड़े हैं। गाड़ियाँ भी आ गई है भाई, और हमेशा ये पूछा जाता है भितरामपुर किधर है। तो दिखाते हैं भाई आपको कि प्रॉपर भितरामपुर का रास्ता किधर है। और ये रहा प्रॉपर भितरामपुर। आइए, आपका स्वागत है प्रॉपर भितरामपुर में। तो जिनको लगे कि हाँ भितरामपुर देखना हो, जानना हो, तो चेचम ब्रिज पे आ सकते हैं और भितरामपुर देख करके जा सकते हैं। आगे इच्छा नहीं होगी, यहाँ से गिरने के बाद बचेंगे क्या, मतलब बीच रास्ते में ही नहीं कुछ बचेगा भाई। तो चला जाए, अब एक दो फोटोग्राफ लेते हैं यहाँ पे, और समय की नज़ाकत को देखते हुए जल्दी से यहाँ से निकलते हैं। पंद्रह बीस मिनट यहाँ बैठे हुए 2-3 सिनेमेटिक शॉट लिए गाड़ी की, आते जाते जो भी है, सिंगल देन फिर दोनों गाड़ियाँ एक साथ, उसके बाद फिर अब चलते हैं वापस उस पार। दोनों गाड़ियाँ उस साइड वेट कर रही है। ये था चेचम ब्रिज, और यहाँ से फिर अब निकलेंगे दूसरे डेस्टिनेशन के लिए। लांजा होगा मेरे ख्याल से, यहीं से ऊपर से ही एक रास्ता जाता है जो लांजा को चला जाएगा। तो हम यहाँ से चलेंगे लांजा एंड देन फिर अगला डेस्टिनेशन। सो समय आ गया है चेचम ब्रिज को गुड बाय बोलने का, और ये रहा चेचम ब्रिज का इन्फॉर्मेशन। सारे इन्फॉर्मेशन यहाँ दिए हुए, बहुत ज़्यादा मैं बोलना नहीं चाहूँगा। आप चाहो तो स्क्रीनशॉट लेकर के देख सकते हो, नहीं चाहो तो कोई बात नहीं, आगे बढ़ा देना। ये चेचम ब्रिज आ गया, और यहाँ से अब चलते हैं भाई। बहुत हो गया, देख रहे हो बोलने में कैसे सांस फूल रहा है। उसके बाद हमसे नहीं बोला जाएगा भाई। हाँ, इस ब्लॉग को करो खत्म, चलो करते हैं, घर पे जाके सो जाओ सब लोग, बाय। तो ऐसे करके जो है ब्लॉग को एंड किया जाता है ना, बिहाइंड द सीन था ये। निंजा टेक्निक, तो दोनों भाई मिलकर निंजा टेक्निक बता रहे थे कैसे करके ब्लॉग एंड किया जाता है, सांस फुलाया जाता है पहले।